अब हम जिक्र करेंगे फॉस्फेट जब जिस्म में बढ़ जाए तो आपको पता कैसे चले, और उसका ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा डिस्कस होगा, और फॉस्फेट जिस्म में कम हो जाए ये तो फिर कैसे पता चले फॉस्फेट है क्या। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए ताकि सेहत के मुतालिक तमाम टिप्स आप तक पहुँचती रहें। टॉपिक जौन सा है इसके अंदर ज़्यादातर हम अलामतों और उसकी वजूहात पे गौर करेंगे। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, फॉस्फेट क्या चीज़ है? फॉस्फेट एक नमकियात का पार्ट है और ये हमारे जिस्म के अंदर तमाम सेल्स के अंदर मौजूद होता है, और ये हमारे जिस्म के अंदर ये एक पेट्रोल या आप ये समझें कि ईंधन का काम करता। इसकी बड़ी बुनियादी ज़रूरत होती है और इसके बगैर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, लेकिन इसकी ज़्यादती भी बुरी है। तो नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 2.5 से 4.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ज़्यादातर ये कोट की जाती है सब कॉन्टिनेंट के अंदर और ज़्यादातर मुल्कों के अंदर। इसी तरह इसकी वैल्यूज़ देखा जाता है। मिली मोल की वीडियो मैं अपनी इंग्लिश जो सी वीडियो है उसके अंदर डिस्कस करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर वो जो सी वैल्यूज़ हैं वो वेस्ट के अंदर यूटिलाइज होती हैं। सो फॉस्फेट क्यों बढ़ जाता? इस चीज़ को मद्देनज़र रखना होगा कि फॉस्फेट बढ़ने की वजूहात एक से ज़्यादा हैं, और जनरली हमारे जहन में जो होता है फॉस्फेट बढ़ने या किसी भी चीज़ के बढ़ने की एक वजह ये हो सकती है कि हमने उसे ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया। हम फॉस्फेट किन चीज़ों के साथ ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं? अमूमी तौर पर जो हमारे अगर हमारे गुर्दे ठीक हैं तो हमारे खाने पीने की वजह से जिस्म में फॉस्फेट नहीं बढ़ता। तो गुर्दे की ख़राबी के साथ जो फॉस्फेट का मसला है उसको मैं थोड़ी देर ठहर के डिस्कस करता हूँ। तो नॉर्मल लोगों के अंदर फॉस्फेट कैसे बढ़ सकता है? बाज़ का दवाइयाँ ऐसी इस्तेमाल की जाती हैं जिससे पेट साफ़ करना होता है, जिसे हम लैक्सेटिव्स कहते हैं। अनीमाज होते हैं कुछ जो दिए जाते हैं तो आंत साफ़ होती है, वो फॉस्फेट बेस्ड होते हैं। फिर कोलोनोस्कोपी अगर आपने करनी हो, आंत साफ़ करनी हो, तो उसके लिए बाज़ का फॉस्फेट बेस्ड रजीम्स इस्तेमाल की जाती हैं, उससे फिर नुकसान हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों का एक प्रॉब्लम ये होता है कि अगर नॉर्मल भी गुर्दे हैं लेकिन विटामिन डी बहुत ज़्यादा ले लिया, उस सूरत में भी फॉस्फेट थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन अमूमी तौर पे इतना ज़्यादा नहीं होता कि उसे हम ख़तरनाक रेंज में कहें। उसमें कैल्शियम के प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं और उसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं और वो आप लोग पहले भी देख चुके हैं। फॉस्फेनाइटिन एक टेबलेट है जिसका इस्तेमाल होता है मिर्गी के मरीज़ों के अंदर, और उसके साथ भी फॉस्फेट थोड़ा सा बढ़ सकता है। फॉस्फेट के ज़्यादा होने के साथ फिर ये हो सकता है कि वो जिस्म से बाहर ना निकल रहा हो, ये लॉजिकल सी दूसरी ऑप्शन है। तो इस केस के अंदर आपके सामने एग्जांपल आती है गुर्दे के मरीज़ों की। गुर्दे के मरीज़ हैं जिनका गुर्दे आर्जी या लंबे अरसे से ख़राब हैं, दोनों सूरतों में फॉस्फेट का बाहर जाने वाला गेट बंद हो जाता, और जब वो बंद हो जाता है तो उसकी वजह से फॉस्फेट जिस्म के अंदर रिटेन होना शुरू हो जाता है, और उससे उसकी अलामतें भी आती हैं जो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। दूसरे नंबर पे कोई भी ऐसी चीज़ जो उस गेट को जाके बंद कर दे, सोडियम फॉस्फेट रिसेप्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये टेक्निकल नेम है लेकिन आप आम तौर पे ये समझें, आम लोगों के लिए काफ़ी है कि एक गेट होता है जहाँ से फॉस्फेट बाहर निकलता, तो वो उसको बंद कर दे और फिर जिस्म से फॉस्फेट जो उनसा है वो निकल ना पाए। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिनके अंदर ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनके अंदर ऐसा हो सकता है। ये जो से गेट हैं ये हाइपोपैराथायरॉइडिज्म के एक मसला होता है जिसके अंदर ऐसा प्रॉब्लम बनता है कि फॉस्फेट जिस्म के अंदर से निकलना कम हो जाता है, ये एक हार्मोन की कमी का नाम है। फिर कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें कुछ रेयर चीज़ें हैं, है तो नाम मैं ले लेता हूँ, एक्रोमगैली होती है जिसके अंदर ऐसा हो सकता है। फिर कुछ और कंडीशंस ऐसी हैं जिसके अंदर फॉस्फेट निकलते हुए अपनी कुछ प्रॉब्लम्स जेनेटिक साथ लेके आता। फेमिलियल ट्यूमरल कैल्सिनोसिस एक कंडीशन है जिसके अंदर ऐसा हो सकता है। पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है कि आपको ये डायग्नोसिस मिले, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जनरली वो टेस्ट जिनके ज़रिए ये कंफर्मेशन होनी होती है वो मौजूद नहीं। फिर उसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर हमारे जिस्म के अंदर जो फॉस्फेट है वो किसी तरीके से कैद से बाहर आ जाता, वो सेल्स के अंदर से निकलता है और बाहर आ जाता है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है? अगर हमारे पट्टे जो उनसे हैं ये फट जाएं किसी भी वजह से, हम उसे रेब्डोमायोलिसिस कहते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई, बहुत मार हो गई, ऊपर से कोई ट्रैक्टर गुजर गया, गाड़ी गुजर गई, तो फॉस्फेट जिस सेल से निकल आता है और वो फिर गुर्दे को भी ख़राब कर सकता है। फिर कुछ लोगों के अंदर ट्यूमर या रसोली हो और उसको दवाई दी जाए तो रसोली के सेल्स फटते हैं और उसका फॉस्फेट बाहर आ जाता है,
इसको हम ट्यूमर लिसिस सिंड्रोम कहते हैं। फिर बास का हेमोलिसिस यानी आरबीसीज जो उनसे हम फटते हैं, तो आपने अगर गौर किया हो ये तमाम सेल्स फटते हैं तो अंदर से फॉस्फेट निकलता है क्योंकि फॉस्फेट सेल्स के अंदर होता। ये मुख्तलिफ लोग पिछले कई सालों में फॉस्फेट के बढ़ने की वजूहात पूछते रहे हैं जिनको हम देखते रहे हैं, तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि उनके इन सवालों का जवाब मिल सके। मैं जानता हूँ ये डायग्नोसिस मुश्किल है, आम लोग शायद इसका ट्रीटमेंट ना कर सकें, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के सवालों का जवाब मिल जाए। फिर फॉस्फेट अगर बढ़ जाए तो फिर इसकी ट्रीटमेंट क्या की जाए। फॉस्फेट बढ़ने के लिए ट्रीटमेंट के लिए फॉस्फेट बाइंडर्स मौजूद हैं। गुर्दे के मर्ज़ के अंदर जो फॉस्फेट की ट्रीटमेंट है उसके लिए इंशाल्लाह हम एक अलहदा वीडियो बनाएंगे, लेकिन इन जनरल फॉस्फेट बाइंडर्स मल्टीपल नामों से मौजूद हैं और उन नामों को इस्तेमाल करते हैं। कुछ कैल्शियम बेस्ड हैं जैसे कैल्शियम एसीटेट है, एसवेलमर कार्बोनेट है, एसवेलमर क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोराइड है और लेंथनम कार्बोनेट है। कुछ इसमें से थर्ड वर्ल्ड में मौजूद हैं, कुछ दवाइयाँ मौजूद नहीं हैं। ये फॉस्फेट को जिस्म से बाइंड करके पखाने के रास्ते निकाल देती हैं और उससे फिर प्रॉब्लम जो उनसे है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। दूसरा पैराथायराइड हार्मोन को मैनेज करना होता है तो वो एक सेपरेट चीज़ है। अब फॉस्फेट का दूसरा पहलू जो उनसा है उसका ज़िक्र कर लेते हैं कि फॉस्फेट जो उनसा है वो अगर लो हो जाए तो फिर क्या करें। लो भी होता है और लो होना ज़्यादा मुश्किल पैदा करता है एज़ कम्पेयर टू हाई होने के। फॉस्फेट लो होता है तो आपको पता कैसे चलेगा कि फॉस्फेट लो हो गया। याद रखिएगा मैंने कहा था कि पूरे जिस्म का ईंधन या पेट्रोल जो उनसी है वो फॉस्फेट है, तो अगर फॉस्फेट जिस्म से निकाल लिया जाए तो गाड़ी नहीं चलेगी। आप सर के बालों से ले कर पाँव तक चले जाएं, तमाम चीज़ों के अंदर फॉस्फेट की कमी का प्रॉब्लम आएगा और ज़्यादातर सिम्टम्स तब आते हैं जब 1 मिलीग्राम से नीचे जाते हैं। इवन आँखों की बिनाई और आँखों के मूवमेंट की कमज़ोरी से ले के सांस के लेने के प्रॉब्लम, क्योंकि डायफ्राम नीचे मसल है वो भी पट्ठा फॉस्फेट से चल रहा है। ईसोफेगस जो हमारी खुराक की नाली है उसके अंदर हाजमे के मसाइल, सांस के मसाइल आ सकते हैं। दिल की रफ्तार बेरब्त हो सकती है, दिल पूरी ताकत से पंप करना बंद कर सकता है। फिर उसके साथ आंतों के अंदर ऐसे मसाइल आ सकते हैं, पट्ठों के अंदर मसाइल आ सकते हैं और पट्ठों की दीवारें फट भी सकती हैं। कुदरत ने एक निज़ाम रखा है कि अगर फॉस्फेट बहुत नीचे जाना शुरू हो जाए तो सेल्स की दीवारें कई दफ़ा फट जाती हैं, रेब्डोमायलिसिस होता है और फॉस्फेट बाहर आके रेस्क्यू कर देता ताकि ये सारे सिस्टम महफूज रहें। ये एक फायर अलार्म सिस्टम कुदरत की तरफ से हमारे जिस्म में रखा गया है और इसके नुकसान भी हैं क्योंकि जब सेल्स फटते हैं तो गुर्दे फेल हो सकते हैं, लेकिन ये जान भी बचाता है क्योंकि ये दिल को बंद होने से रोक भी सकता। फिर उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका फोकस ये है, क्योंकि फॉस्फेट जब जिस्म में कम होता है तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन को भी गुर्दे से रोक देता, और अरसे दराज से अगर किसी का फॉस्फेट कम है तो उसकी वजह से उसकी हड्डियाँ और पट्ठे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, उसके जिस्म में कैल्शियम की कमी के साइन होते हैं, उसको ऑस्टियोमलेशिया और हड्डियों के दर्दें और इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। उस पर भी वीडियो हम बना चुके हैं और वो भी कुछ दिनों में मैं दोबारा इस चैनल के ज़रिए आप तक पहुंच जाएगी इंशाल्लाह ताला। इसके बाद जो बात है वो आ जाती है कि ये फॉस्फेट की कमी हुई क्यों, ऐसा कौन सा मसला था कि फॉस्फेट जो है वो जिस्म के अंदर नॉर्मल से नीचे चला गया। तो वंस अगेन जो मोटी बात है कि हमने लिया कम, एक ये हो सकता है, दूसरा ये कि हमने ज़्यादा निकाल दिया, गुर्दे का कोई मसला था, और तीसरा ये कि सेल्स जिस्म के अंदर ही वो कोई खून की दौरान से सेल्स के अंदर घुस गया। तो पहली चीज़ हमने लिया कम। अमूमी तौर पे फॉस्फेट खाने की कमी से अमूमी तौर पे बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अगर आपको बदहजमी है, आपको मोशन लगे हुए हैं और फॉस्फेट एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, विटामिन डी आपको कमी है, विटामिन डी प्रॉपरली ले नहीं रहे, तो फॉस्फेट एब्जॉर्ब नहीं होता, तो उससे फिर वो ज़ाया होना शुरू हो जाता है पखाने के रास्ते। इसके अलावा फिर वो ये जो सब गुर्दे के लिहाज से मैंने जो कहा कि वो ज़्यादा निकल जाता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें सामने आएंगी, तो उसके अंदर आपने जहन में रखना है कि पैराथायराइड हार्मोन जो है वो जब ज़्यादा हो जाता है तो वो फॉस्फेट को निकाल देता। फिर कुछ और चीज़ें होती हैं FGF23 जिसमें भी ऐसा होता है, विटामिन डी की कमी से भी ऐसा होता है। फिर कुछ ड्रग्स हैं जिनके साथ ऐसा हो सकता है, वो बहुत रेयर हैं, मेटोलाजोन, एम्फोटेरिसिन बी, कार्बानिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स,
लेकिन ये बात जो सी है ये डॉक्टरों को पढ़ाई जा सकती है, हम लोगों के लिए ये मुश्किल होगा इसको समझना, तो उसकी डिटेल में हम नहीं जाते। फिर तीसरी चीज़ मैंने जिक्र किया कि हो सकता है कि सेल्स के अंदर फॉस्फोरस जो सा है वो उतना कमी ना हो, लेकिन वो ब्लड से बस सेल्स के अंदर घुस गया हो और सेल्स के अंदर ज़्यादा हो गया और ब्लड में कम हो गया। इस कंडीशन में अमूमी तौर पे तब होता है जब पेशेंट को हम कीटो एसिडोसिस या जो शुगर की बहुत ज़्यादा ज़्यादती के साथ मरीज़ हमारे पास दाखिल आते हैं और हम उन्हें इंसुलिन दे रहे होते हैं, तो वो इस इंसुलिन के इन्फ्यूजन के साथ वो फॉस्फोरस जिस्म के अंदर चला जाता है और फॉस्फोरस जो सा है वो ब्लड के टेस्टों के अंदर कम आना शुरू हो जाता है। और अगर ये ख़ास हद से बढ़ जाए मामला तो इससे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाए, इसके लिए मुख्तलिफ इंजेक्शंस, मुख्तलिफ दवाइयाँ मौजूद हैं। वंस अगेन उनका ब्रांड और डोज मैं इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि लोग सेल्फ मेडिकेशन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस सारी चीज़ को जब आप समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें किस डॉक्टर के पास जाना है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। दूसरे नंबर पे फॉस्फोरस के बारे में जो न्यूट्रिशनल की बात हुई थी तो उसमें हो चुकी थी कि फॉस्फोरस खुराक के अंदर दूध में होता, इसके अलावा ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर भी आपको मिल जाता है, साग पालक के अंदर और मेथी के अंदर भी मिल जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप ये समझें कि डेयरी प्रोडक्ट जो सी हैं उनके साथ मिल जाता है, एग में भी हो जाता है। सो खुराक के ज़रिए अपना इलाज कीजिए और उसके बाद जब आपने मेडिसिन लेनी हो तो अपने मौलिज से रब्ता करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और वंस अगेन मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर हमारी किसी इन्फॉर्मेशन से आपका फ़ायदा हो तो हमारे लिए दुआ ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।